गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूर। अपन चल रहे हैं राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में अपन चर्चा कर रहे हैं हाड़ौती का इतिहास। हाड़ौती के इतिहास के बारे में इससे पहले अपना जो वीडियो आया था उसमें अपन ने बूंदी के इतिहास के बारे में बात की। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जो वर्तमान में हाड़ौती इलाका कहलाता है उस पर चौहानों की एक शाखा का अधिकार था और उस हाड़ौती इलाके में बूंदी प्रारंभिक राज्य हुआ करता था और बूंदी साम्राज्य के अधीन बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारा ये इलाका हुआ करता था। और मैंने आपको ये भी बतलाया था कि जब शाहजहां मुगल शासक हुआ करता था उस समय कोटा को बूंदी से अलग करके एक नवीन रियासत का निर्माण किया गया। और एक और बात बता दूं कि जब अंग्रेज़ों का साम्राज्य हुआ करता था उस समय अंग्रेज़ों ने कोटा से अलग करके एक और रियासत का निर्माण किया जिसे हम झालावाड़ के नाम से जानते हैं और झालावाड़ अंतिम रियासत थी। खैर, ये जो इलाका था ये इलाका हाड़ौती साम्राज्य के नाम से जाना जाता था और बूंदी इसकी प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी। देवी सिंह ने यहाँ पर बूंदी में अपनी सत्ता की स्थापना की और कालांतर में बूंदी का साम्राज्य विस्तारित होता चला गया और फिर आखिरकार एक नवीन राज्य और बना जिसे हम कोटा के नाम से जानते हैं। आज हम इसी कोटा राज्य के इतिहास के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा निवेदन आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरुआत करते हैं कोटा राज्य का इतिहास। कोटा प्रारंभ में बूंदी रियासत का एक भाग था, यहाँ हाड़ा चौहानों का शासन था। ये बात मैं क्लियर कर चुका हूँ कि राजस्थान में सबसे पहले जो चौहानों की शाखा थी वो थी अजमेर के चौहान या शाकंभरी के चौहान और पृथ्वीराज तृतीय इसका अंतिम शासक हुआ करता था और इसी से एक और चौहानों की शाखा का विस्तार हुआ था रणथंभौर के चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने इसकी स्थापना की थी। चौहानों की एक शाखा हुआ करती थी सिरोही के चौहान, सिरोही के शासकों की, और एक शाखा हुआ करती थी जालौर के चौहान जिसके कान्हड़ देव प्रमुख शासक हुए। इसके अलावा ये जो हाड़ौती का इलाका है इस हाड़ौती के इलाके में भी एक चौहानों की शाखा का जन्म हुआ और बूंदी के रूप में वो शुरुआत हुई और बूंदी से अलग होकर कोटा राज्य बना। इसलिए कोटा जो था प्रारंभ में बूंदी रियासत का एक भाग था और इस बूंदी के ऊपर हाड़ौती के या हाड़ा चौहानों का साम्राज्य था। कोटा पूर्व में कोटिया भील के नियंत्रण में था जिसे बूंदी के चौहान वंश के संस्थापक देवा के पुत्र जेतर सिंह ने मारकर अपने अधिकार में कर लिया। देवा या देवी सिंह के नाम से भी जाना जाता है जो बूंदी के चौहानों की शाखा के संस्थापक थे और इनके जो पुत्र थे जेतर सिंह, इन्होंने कोटा जो उस समय कोटिया भील के नियंत्रण में होने के कारण से कोटा नाम से जाना जाता था, कोटिया भील को परास्त करके इस इलाके पर अपना अधिकार किया जेतर सिंह ने, जो कि देवा सिंह का पोता हुआ करता था। कोटिया भील के नाम से इसको कोटा कहा गया या इस क्षेत्र को कोटा नाम से जाना जाता था। 1631 ईस्वी में शाहजहां के समय बूंदी नरेश रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को कोटा का पृथक राज्य देकर उसे बूंदी से स्वतंत्र कर दिया गया, यानी कि सन 1631 में कोटा बूंदी से अलग हुआ। इससे पहले 12वीं शताब्दी से या 13वीं शताब्दी से जब बूंदी राज्य की स्थापना हुई तब से लेकर के कोटा जो था वो बूंदी रियासत का भाग हुआ करता था। वो 1631 ईस्वी में कोटा बूंदी से अलग हो गया और अलग किया शाहजहां ने, और शाहजहां ने बूंदी नरेश रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को कोटा का अलग राज्य प्रदान कर दिया और कोटा के रूप में एक नई रियासत की स्थापना यहाँ पर हुई। जब खुर्रम ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था तब खुर्रम को कैद करके बूंदी के रतन सिंह तथा उसके पुत्र माधो सिंह की देखरेख में रखा गया। खुर्रम जिसे हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, ये खुर्रम उसका वास्तविक नाम था। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था और विद्रोह के दौरान जहांगीर ने खुर्रम यानी कि शाहजहां को कैद करके बूंदी में रखा। उस समय बूंदी में रतन सिंह का शासन हुआ करता था और रतन सिंह और उसके पुत्र माधो सिंह की देखरेख में शाहजहां बूंदी में रहा था। माधो सिंह ने खुर्रम यानी कि शाहजहां के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया तथा उसे शाही दरबार में उपस्थित करने से पूर्व ही गुप्त रूप से भगा दिया। जब शाहजहां बूंदी में था कैद करके या एक प्रकार से नजरबंदी में था उस समय
रतन सिंह और उसके पुत्र माधो सिंह ने शांता के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया और इस व्यवहार से वो खुश हुआ था। और जब शाहजहां को कैद करके वापस दिल्ली बुलाया जा रहा था, इससे पहले ही माधो सिंह ने उसे गुप्त रूप से वहां से यानी कि बूंदी से भगा दिया था और उसको स्वतंत्र कर दिया था। जब खुर्रम मुगल शासक बना तो उसने माधो सिंह के द्वारा दी गई सहायता के बदले माधो सिंह को प्रत्यक्ष रूप से कोटा का शासक बना दिया। ये जो उसकी देखभाल की गई थी माधो सिंह के द्वारा बूंदी में, उससे खुश होकर खुर्रम जब शाहजहां के नाम से मुगल शासक बना तब उन्होंने माधो सिंह को उसकी सहायता के बदले जो भी उसकी सहायता उसके द्वारा की गई थी कोटा राज्य प्रदान कर दिया और कोटा का स्वतंत्र शासक उसको स्थापित कर दिया। और यहीं से माधो सिंह के साथ ही कोटा राज्य का नया इतिहास प्रारंभ होता है। अब तक ये जो कोटा था ये बूंदी के अधीन था और यहाँ से 1631 के बाद कोटा एक अलग रियासत के रूप में स्थापित हुआ और इसका अलग इतिहास प्रारंभ होता है। माधो सिंह के पश्चात इसके पहले शासक हुए महाराव मुकुंद सिंह। माधो सिंह के बाद उसका पुत्र मुकुंद सिंह कोटा का शासक बना। मुकुंद्रा हिल या मुकुंद्रा जो टाइगर रिजर्व है वो इसी के नाम से, कोटा के शासक मुकुंद सिंह के नाम से ही जाना गया है। माधो सिंह का पुत्र हुआ करता था मुकुंद सिंह, जो माधो सिंह की मृत्यु के पश्चात कोटा का शासक बना। इसने मुकुंद्रा के किले का और अपनी पासवान अबली मिनी के नाम पर अबली मिनी का महल बनवाया। मुकुंद्रा जो टाइगर रिजर्व का इलाका है उसमें एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में वर्तमान में किला स्थित है, एक दुर्ग स्थित है। इस मुकुंद्रा के किले का निर्माण इस महाराव मुकुंद सिंह के द्वारा किया गया था और इसके साथ यहीं पर एक महल भी बनाया गया जो अबली मिनी का महल कहा जाता है। अबली मिनी जो उसकी पासवान यानी कि उसकी प्रेमिका हुआ करती थी उसके नाम पर अबली मिनी का महल महाराव मुकुंद सिंह ने यहाँ पर मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व क्षेत्र के इलाके में बनाया था। शाहजहां के पुत्रों के मध्य हुए उत्तराधिकार के धर्मत के युद्ध 1658 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। महाराव मुकुंद सिंह जो शाहजहां के पश्चात जो उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हुआ था मुख्य रूप से औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में, इसमें धर्मत के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध यानी दारा शिकोह की सेना के साथ या शाही सेना के साथ लड़ते हुए महाराव मुकुंद सिंह 1658 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हुए थे और इसी के साथ महाराव मुकुंद सिंह का शासनकाल समाप्त होता और उनके पश्चात दूसरे शासक बनते महाराव जगत सिंह। मुकुंद सिंह के बाद जगत सिंह कोटा के शासक बने। इन्हें औरंगजेब द्वारा खजुआ के युद्ध में सुजा के युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया था। जब मुकुंद सिंह का देहांत हो जाता उसके पश्चात जगत सिंह अगले कोटा के शासक बनते हैं और उस समय तक उत्तराधिकार का संघर्ष भी समाप्त हो जाता है। मुगलों के शासक के रूप में औरंगजेब की स्थापना होती है और औरंगजेब ने जगत सिंह को खजुआ के युद्ध में सुजा के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा था। सुजा जो उसी का भाई हुआ करता था उसके विरुद्ध लड़ने के लिए औरंगजेब ने महाराव जगत सिंह को भेजा था। इन्हें औरंगजेब द्वारा दक्षिण भारत में बुरहानपुर व औरंगाबाद में भी नियुक्त किया गया था। हम ये जानते हैं कि औरंगजेब ने अपने शासन के 25 साल दक्षिण में गुजारे थे, दक्षिण अभियान में गुजारे थे और इसी दक्षिण अभियान में कोटा के महाराव जगत सिंह को भी औरंगजेब ने दक्षिण में भेजा था और दक्षिण में वो बुरहानपुर और औरंगाबाद में नियुक्त रहे थे। जगत सिंह के बाद कोटा के शासक किशोर सिंह बने, जिनके समय बघेरवाल जैन व्यापारी चांद खेड़ी में आदिनाथ भगवान के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। जगत सिंह के पश्चात, जगत सिंह की मृत्यु के पश्चात कोटा के अगले शासक बनते हैं किशोर सिंह। याद रखिए किशोर सिंह के नाम से दो शासक हुए थे और राम सिंह के नाम से भी दो शासक कोटा में हुए थे। तो किशोर सिंह जो प्रथम थे वो जगत सिंह की मृत्यु के पश्चात कोटा के शासक बनते हैं और इनके समय, किशोर सिंह के समय बघेरवाल जैन व्यापारी ने चांदखेड़ी नामक स्थान पर आदिनाथ भगवान के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। महाराव राम सिंह किशोर सिंह के बाद उनके बड़े पुत्र बिशन सिंह कोटा के शासक बने, लेकिन औरंगजेब ने राम सिंह को कोटा का शासक नियुक्त किया। जब महाराव किशन सिंह की मृत्यु हुई थी तब उनके दो पुत्र थे, एक थे महाराव बिशन सिंह और एक थे महाराव राम सिंह। और चूंकि महाराव बिशन सिंह उनके बड़े पुत्र थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र थे और ज्येष्ठता के नियम के आधार पर कोटा के ऊपर
बिशन सिंह का हक बनता था, बिशन सिंह का अधिकार बनता था और बिशन सिंह ने राजगद्दी संभाली। लेकिन चूंकि मुगल शासक औरंगजेब थे और औरंगजेब ने कोटा के शासक के रूप में बिशन सिंह के छोटे भाई राम सिंह को नियुक्त किया, यानी कि एक ही स्थान पर दो शासक हो गए। बड़े भाई बिशन सिंह का भी उत्तराधिकार था और छोटे भाई राम सिंह को औरंगजेब ने नियुक्त कर दिया था। इस कारण से बिशन सिंह तथा राम सिंह के मध्य आवा के निकट युद्ध हुआ, जिसमें राम सिंह विजयी हुए। यानी कि जब एक ही जगह कोटा में दो शासक हो गए तो दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसे आवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस आवा के युद्ध में राम सिंह ने बिशन सिंह को पराजित किया। उसके पश्चात विधिवत रूप से राम सिंह कोटा के अगले शासक बनते हैं। औरंगजेब के समय इन्हें दक्षिण में नियुक्त किया गया, यानी कोटा के जो भी शासक रहे अधिकांश शासकों ने औरंगजेब के दक्षिण अभियान में भाग लिया और राम सिंह भी औरंगजेब के साथ दक्षिण में रहे थे, दक्षिण अभियान में रहे थे। औरंगजेब के पुत्रों में हुए उत्तराधिकार युद्ध में राम सिंह ने आजम का साथ दिया तथा जाजब के युद्ध, जो धौलपुर के नाम से भी जाना जाता है, में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। जैसे सांझा के अंत के दौरान उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था, औरंगजेब उसमें विजयी हुआ, उसी प्रकार से औरंगजेब के अंत के समय औरंगजेब के पुत्रों के बीच में भी उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। उस उत्तराधिकार के युद्ध में कोटा के शासक राम सिंह ने औरंगजेब के शासक आजम का पक्ष लिया था। हालांकि आजम शासक नहीं बना, मुअज्जम बहादुर सिंह के नाम से शासक बनता है, तो राम सिंह ने आखिरकार आजम का साथ दिया। और इस युद्ध में जो इनके पुत्रों औरंगजेब के पुत्रों के बीच में लड़ा जा रहा था, उसमें एक युद्ध था जाजव का युद्ध, जिसे धौलपुर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में लड़ते हुए महाराव राम सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनके समय में कोटा शहर में परकोटे का निर्माण हुआ था। कोटा का जो वर्तमान परकोटा जो देखा जा सकता है, उस परकोटे का निर्माण महाराव राम सिंह के समय किया गया था। महाराव भीम सिंह अगले शासक राम सिंह के पश्चात भीम सिंह कोटा के नए शासक बनते हैं। और भीम सिंह के पश्चात एक और समस्या पैदा होती है कि उत्तराधिकार के युद्ध में राम सिंह ने आजम का साथ दिया था। अभी अपन ये बात कर चुके हैं कि औरंगजेब के जो पुत्र थे राम सिंह, आजम और मुअज्जम, इनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। राम सिंह ने आजम का साथ दिया था, जबकि उत्तराधिकार संघर्ष में मुअज्जम की जीत होती है और वो बहादुर शाह के नाम से गद्दी संभालते हैं। तो उत्तराधिकार के युद्ध में राम सिंह ने आजम का साथ दिया था, जिस कारण नाराज बहादुर शाह ने बूंदी शासक बुद्ध सिंह को कोटा को बूंदी राज्य में शामिल करने की अनुमति दे दी। जब मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से मुगल सम्राट के रूप में स्थापित होता है, उस समय बूंदी के ऊपर बुद्ध सिंह का शासन हुआ करता था और कोटा में राम सिंह का शासन हुआ करता था। और उसके पश्चात जब मुअज्जम शासन संभालता है, बहादुर शाह शासक बनता है, तो बुद्ध सिंह को अंदर ही अंदर मुअज्जम ने, यानी कि बहादुर शाह ने, कोटा को बूंदी में मिलाने की अनुमति प्रदान कर दी। बुद्ध सिंह ने कोटा पर आक्रमण किया किंतु पराजित हुआ। जब भीम सिंह कोटा का शासक हुआ करता था, उस समय बुद्ध सिंह ने कोटा के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन बुद्ध सिंह इस आक्रमण में कामयाब नहीं हो पाया और पराजित होकर उसको वापस लौटना पड़ा। कोटा शासक भीम सिंह ने 1713 ईस्वी में बूंदी पर आक्रमण कर इस पर अधिकार कर लिया। देखिए एकदम उल्टा होता है, बूंदी का शासक जो बुद्ध सिंह था, उसने भीम सिंह पर आक्रमण किया कोटा को अपने अधिकार में करने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। और आखिरकार 1713 ईस्वी में इस भीम सिंह ने बूंदी के ऊपर आक्रमण किया और 1713 ईस्वी में बूंदी पर आक्रमण करके बूंदी पर उसने अधिकार कर लिया। यानी कि कोटा जो बूंदी से अलग होकर एक अलग रियासत बना था, उसी कोटा ने बूंदी को अपने अधिकार में कर लिया। 1715 ईस्वी में उदय सिंह ने बूंदी का क्षेत्र पुनः प्राप्त किया। 1715 ईस्वी में बूंदी का शासक बनता उदय सिंह। उदय सिंह ने आखिरकार बूंदी को पुनः जीत कर अपने साम्राज्य में स्थापित कर लिया, यानी कि कोटा से उसको अलग वापस अलग कर लिया या कोटा से आज़ाद कर लिया। 1719 ईस्वी में भीम सिंह ने पुनः बूंदी को अपने अधीन कर लिया, यानी कि यह संघर्ष चलता रहा दोनों के बीच में। 1719 ईस्वी में भीम सिंह ने पुनः बूंदी के ऊपर अधिकार स्थापित कर लिया। इन्होंने अपना नाम कृष्णदास तथा कोटा का नाम नंदगांव रखा। हम बात कर रहे हैं भीम सिंह की। भीम सिंह जो
कृष्ण के उपासक हुआ करते थे। इन्होंने बूंदी को अपने अधिकार में करने के उपरांत खुद का नाम कृष्णदास रख लिया कृष्ण के उपासक होने के कारण से, और कोटा का नाम नंदगांव रख लिया। यानी हम ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण नंदगांव से संबंधित थे, इसीलिए नंदगांव उन्होंने कोटा का नाम कर लिया। मुगल शासक फर्रुखशियर ने भीम सिंह को गागरौन का किला सौंप दिया था। गागरौन जो झालावाड़ में स्थित है, इस झालावाड़ के किले यानी कि गागरौन के किले को आखिरकार फर्रुखशियर जो कि अगला मुगल शासक हुआ करता था, इसने कोटा के शासक भीम सिंह को गागरौन का किला सौंप दिया था। महाराव दुर्जनशाल, इनके समय में जयपुर की सेना ने मराठों की सहायता से कोटा पर आक्रमण किया तथा बाद में 1748 ईस्वी में इनके मध्य संधि हुई। ये एक नया दौर शुरू होता है कोटा बूंदी इलाके में, मराठों का प्रवेश होता है। और महाराव दुर्जनशाल जब हुआ करते थे, इनके समय में जयपुर की सेना ने मराठों की सहायता से कोटा पर आक्रमण किया। कोटा पर आक्रमण करने के लिए बूंदी ने मराठों को निमंत्रण भेजा था और जयपुर के शासक ने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें हुआ करते थे सवाई जय सिंह, और सवाई जय सिंह और बूंदी में पारिवारिक रिश्ता था, इनकी बहन बूंदी ब्याही हुई थी, इसलिए इनको मजबूरन बूंदी की सहायता के लिए आना पड़ा। और इन्हीं के निमंत्रण पर उत्तराधिकार संघर्ष, बूंदी में भी उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया था, तो उसी के कारण से बूंदी के निमंत्रण पर मराठे यहाँ पर आए और बूंदी की सेना और जयपुर की सेना ने मराठों की सेना के साथ मिलकर कोटा पर आक्रमण किया। और 1748 ईस्वी में इस आक्रमण के फलस्वरूप इनके मध्य एक संधि संपन्न होती है। उसके पश्चात अगले शासक बनते हैं महाराव शत्रुशाल। इनके समय कोटा में झाला जालिम सिंह का प्रभाव बढ़ने लगा। झाला जालिम सिंह जो आगे चलकर इनके प्रमुख दीवान या प्रमुख प्रशासक होते हैं, और इन्हीं के वंशजों को एक नई रियासत अंग्रेजों ने प्रदान की थी जिसे हम झालावाड़ के नाम से जानते हैं। तो जब महाराव शत्रुशाल कोटा के शासक हुआ करते थे, उस समय कोटा के दीवान हुआ करते थे या प्रशासक हुआ करते थे जालिम सिंह, और इनका प्रभाव धीरे धीरे कोटा के प्रशासन में बढ़ने लग गया था। हम यूँ कह सकते हैं कि एक प्रकार से कोटा का अप्रत्यक्ष शासन झाला जालिम सिंह ने अपने हाथ में ले लिया था। 1760 ईस्वी में शत्रुशाल ने जयपुर शासक सवाई माधो सिंह को पराजित किया था। 1760 का युद्ध, शत्रुशाल जो कोटा के शासक हुआ करते थे, उन्होंने जयपुर के शासक स्वाई माधो सिंह जिन्होंने स्वाई माधोपुर नामक कस्बा बसाया था, ईश्वरी सिंह जो कि माधो सिंह के बड़े भाई थे, उनको पराजित करके कोट जयपुर पर अधिकार स्थापित किया था। इन स्वाई माधो सिंह को 1760 ईस्वी में शत्रुशाल ने पराजित किया था। शत्रुशाल के समय कोटा मराठों की शक्ति का केंद्र बन गया था, यानी कि कोटा का मराठों का हस्तक्षेप राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग गया था, और कोटा बूंदी इलाके में मराठों का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और कोटा एक प्रकार से मराठों की शक्ति का प्रमुख केंद्र बन गया था। महाराव गुमान सिंह, गुमान सिंह ने झाला जालिम सिंह को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था, जिस कारण वह उदयपुर राज्य में चला गया था। क्योंकि झाला जालिम सिंह का प्रभाव दिनों दिन प्रशासन पर पड़ता जा रहा था महाराव शत्रुशाल के समय से, और शत्रुशाल के पश्चात महाराव गुमान सिंह जब कोटा की रियासत संभालते हैं, कोटा की गद्दी संभालते हैं, तब जालिम सिंह का जो प्रभुत्व था, जालिम सिंह का जो हस्तक्षेप था, वो सहन नहीं कर पाए, इसलिए महाराव गुमान सिंह ने झाला जालिम सिंह को कोटा राज्य से निष्कासित कर दिया। और कोटा से निष्कासित होने के पश्चात झाला जालिम सिंह मेवाड़ की रियासत में पहुंच गए, और मेवाड़ रियासत ने उनको अपने यहाँ पर शरण प्रदान की थी। गुमान सिंह के ने कुछ समय बाद जालिम सिंह को अपना दीवान बनाया, और मेवाड़ के शासक के हस्तक्षेप के कारण से, मेवाड़ के शासक के समझाने के कारण से, आखिरकार गुमान सिंह ने वापस झाला जालिम सिंह को बुलाया और अपना दीवान नियुक्त किया था। महाराव उमेद सिंह, उमेद सिंह के समय समस्त कार्य झाला जालिम सिंह द्वारा किया जाने लगा, यानी कि एक प्रकार से झाला जालिम सिंह अब कोटा के वास्तविक शासक बन गए थे। उमेद सिंह जब कोटा के शासक हुआ करते थे, तो समस्त शासन का कार्यभार जो था झाला जालिम सिंह के द्वारा ही होने लग गया था। जालिम सिंह ने अमीर खां पिंडारी को सेरगढ़ दुर्ग में रहने के लिए सुरक्षित स्थान दिया था। झाला जालिम सिंह और अमीर खां पिंडारी का अच्छा संबंध था, और इस कारण से अमीर खां पिंडारी जो आक्रमण करके इधर उधर लूटपाट करके अपना काम चलाता था, टोंक के आसपास के इलाके में इसका प्रभुत्व हुआ करता था, और इस अमीर खां पिंडारी को शेरगढ़ दुर्ग जो बाना में स्थित है, शेरगढ़ दुर्ग में शरण देने का कार्य इस झाला जालिम सिंह के द्वारा
किया गया था। जालिम सिंह ने कोटा राज्य को मराठों व पिंडारियों के आक्रमण से सुरक्षित रखा, क्योंकि जालिम सिंह काफ़ी विद्वान आदमी था और वो ये जानता था कि अगर पिंडारियों का और मराठों का आक्रमण इसी प्रकार से कोटा में होता रहा तो कोटा एक दिन बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगा। इसलिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर जालिम सिंह ने कोटा को इन दोनों महाशक्तियों से यानी कि मराठों से और पिंडारियों से बचाए रखा था। और इसी कारण से पिंडारी जो अमीर खां पिंडारी था उसको शेरगढ़ यानी कि बारा के दुर्ग में उसने शरण भी प्रदान की थी। दिसंबर 1817 में झाला जालिम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। जो कोटा का शासक था उसी के दौरान झाला जालिम सिंह जो उनका प्रशासक हुआ करता था, जो उनका दीवान हुआ करता था, उन्होंने दिसंबर 1817 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली। हम ये जानते हैं कि 1817 ईस्वी में संधियों का सहायक संधि जिसे कहते हैं संधियों का दौर शुरू हुआ था, और इसी दौर के दौरान झाला जालिम सिंह ने भी जो कोटा की तरफ से थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से अपनी संधि संपन्न कर ली थी। इस संधि में झाला जालिम सिंह ने यह शर्त जुड़वा दी कि उमेद सिंह व उनके वंशज कोटा के शासक होंगे तथा जालिम सिंह व उनके वंशज राज्य के प्रशासक होंगे। जो 1817 में कोटा के द्वारा जालिम सिंह के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से जो संधि की गई थी उसमें झाला जालिम सिंह ने चालाकी के माध्यम से एक शर्त जुड़वा दी कि कोटा के शासक हमेशा उमेद सिंह और उनके वंशज रहेंगे, जबकि जालिम सिंह और उनके वंशज हमेशा कोटा राज्य के प्रशासक रहेंगे, यानी कि दीवान रहेंगे यानी प्रधानमंत्री रहेंगे। शासन तो संभालेंगे उमेर सिंह और उनके वंशज, और प्रशासन संभालेंगे जालिम सिंह और उनके वंशज। ये संधि की शर्त में 1817 में झाला जालिम सिंह ने जुड़वा दी थी। किशोर सिंह द्वितीय, उमेर सिंह के बाद किशोर सिंह द्वितीय कोटा के शासक बने, लेकिन राज्य की वास्तविक शक्ति जालिम सिंह के पास रही। यानी कि शासक तो बने थे उमेर सिंह और उनके वंशज, लेकिन शासन की वास्तविक शक्ति हमेशा झाला जालिम सिंह या उनके वंशजों के हाथ में रही। जब किशोर सिंह द्वितीय कोटा के शासक बने थे तो राज्य की वास्तविक शक्ति पूरी तरह से जालिम सिंह के हाथ में ही रही थी। किशोर सिंह राज्य शासन की वास्तविक शक्ति अपने पास लेना चाहते थे, लेकिन जालिम सिंह इसके लिए तैयार नहीं था। दोनों के मध्य फिर से संघर्ष प्रारंभ होता है, और जो किशोर सिंह थे वो ये चाहते थे कि शासन और प्रशासन दोनों कार्य खुद किशोर सिंह संभाले, लेकिन जालिम सिंह किसी भी सूरत में अपने अधिकार त्यागने के लिए तैयार नहीं थे। और 1821 ईस्वी में महाराव किशोर सिंह तथा जालिम सिंह के मध्य मांगरोल नामक स्थान पर युद्ध होता है। मांगरोल जो कोटा के पास ही स्थित है, इनके बीच इन यहाँ पर मांगरोल नामक स्थान पर महाराव किशोर सिंह और इनके जो प्रशासक थे जालिम सिंह इनके मध्य 1821 ईस्वी में एक युद्ध होता है। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने इनके मध्य समझौता करवाया जिनके अनुसार महाराव के निजी कार्य में जालिम सिंह हस्तक्षेप नहीं करेंगे तथा जालिम सिंह के राज कार्य में महाराव हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जब 1821 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था उस समय मेवाड़ के शासक भीम सिंह हुआ करते थे, वही भीम सिंह जिनकी पुत्री कृष्णा कुमारी थी और जिनके विवाद के कारण से कृष्णा कुमारी आखिरकार विष पान करके समाप्त हुई थी। मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने जो जालिम सिंह और किशोर सिंह के मध्य 1821 में मांगरोल का युद्ध हुआ था इसमें समझौता करवाया था, मध्यस्थता करवाई थी, और इस समझौते के आधार पर दोनों ने स्वीकार किया कि महाराव के जो भी राजकार्य होंगे उनमें जालिम सिंह कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और जालिम सिंह का जो प्रशासन का कार्य होगा उसमें महाराव कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इनके समय जालिम सिंह ने अपने पुत्र माधव सिंह को कोटा का प्रशासक नियुक्त कर दिया। जब किशोर सिंह हुआ करते थे तो किशोर सिंह के समय ही जालिम सिंह ने माधव सिंह जो जालिम सिंह का पुत्र हुआ करता था उसको कोटा का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। राम सिंह द्वितीय के समय 1833 ईस्वी में इनके प्रशासक माधव सिंह का देहांत हो जाने पर इनके पुत्र झाला मदन सिंह कोटा के फौजदार बने। झाला मदन सिंह झाला जालिम सिंह के पुत्र हुआ करते थे और माधव सिंह के पुत्र हुआ करते थे। राम सिंह द्वितीय जब 1833 ईस्वी में शासक बने थे तब इनके प्रशासक माधव सिंह का देहांत हो गया था, और माधव सिंह के देहांत के पुत्र बाद उनका पुत्र झाला मदन सिंह कोटा के फौजदार बने, कोटा के प्रशासक बने। राम सिंह द्वितीय तथा इनके फौजदार मदन सिंह में आपसी मतभेद होने पर कंपनी सरकार ने मदन सिंह के लिए 1838 ईस्वी में पृथक झालावाड़ रियासत का गठन किया। ये तथ्य याद रखिएगा,
कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय और कोटा के प्रशासक झाला मदन सिंह के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गए और इस मतभेद की समाप्ति के लिए, चूंकि कोटा ने पहले से ही अंग्रेजों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि संपन्न कर ली थी, आखिरकार कंपनी ने इनके मतभेद को समाप्त करने के लिए सन 1838 ईस्वी में एक अलग रियासत का निर्माण किया झालावाड़ के नाम से, और झालावाड़ का निर्माण करके मदन सिंह, झाला मदन सिंह को आखिरकार झालावाड़ रियासत प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र रूप से सौंप दी। झालावाड़ की राजधानी झाला पाठन तथा झाला मदन सिंह को यहाँ का स्वतंत्र शासक बनाया गया। 1838 ईस्वी में जब झालावाड़ को रियासत के रूप में स्थापित किया गया तो झालावाड़ की राजधानी बनाई गई झालरा पाटन और झाला मदन सिंह को यहाँ का शासक नियुक्त किया गया, यहाँ का शासक स्वीकार किया गया। झालावाड़ राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई अंतिम रियासत थी, ये भी तथ्य याद रखेगा, झालावाड़ राजस्थान में बनाई गई अंतिम रियासत थी जिसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय हुआ करते थे, और हम ये जानते हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का एक प्रमुख केंद्र कोटा भी हुआ करता था, और 1857 ईस्वी में जब राम सिंह द्वितीय कोटा के शासक हुआ करते थे उस समय 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और कोटा कुछ समय तक पूरी तरह से विद्रोहियों के कब्जे में रहा था और राम सिंह का शासन यहाँ पर एक प्रकार से समाप्त हो गया था। अब थोड़ी सी बात करते हैं झाला जालिम सिंह की। झाला जालिम सिंह 1769-1823 ईस्वी, झाला जालिम सिंह राव उमेद सिंह के समय कोटा का प्रशासक एवं फौजदार था, यानी कि झाला जालिम सिंह को एक प्रकार से कोटा का प्रशासक नियुक्त किया गया था और ये बने थे उमेद सिंह के समय। उमेद सिंह जब कोटा के शासक हुआ करते थे तो उन्होंने झाला जालिम सिंह को कोटा का प्रशासक नियुक्त किया था। इसने अपनी कूटनीति से मराठों व पिंडारियों के आक्रमण से कोटा को बचाए रखा। झाला जालिम सिंह काफ़ी कूटनीतिक व्यक्ति हुआ करते थे, सामदान दंड भेद की नीति से इन्होंने मराठों को और पिंडारियों को कैसे न कैसे करके कोटा से दूर रखा और कोटा की रक्षा इनसे की थी। 1817 ईस्वी में इसने अंग्रेजों से सहायक संधि संपन्न की तथा इस संधि में यह शर्त जुड़वाई कि उमेर सिंह तथा उनके वंशज कोटा के शासक होंगे जबकि जालिम सिंह व इनके वंशज कोटा के प्रशासक होंगे। ये बात अपन कर चुके हैं कि 1817 ईस्वी में जब कोटा ने अंग्रेजों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि संपन्न की थी उसमें कोटा की तरफ से झाला जालिम सिंह ने भाग लिया था और उन्होंने इस संधि में शर्त जुड़वा दी थी कि आने वाले समय में कोटा के शासक हमेशा ही उमेद सिंह और उसके वंशज रहेंगे और कोटा के प्रशासक झाला जालिम सिंह और उसके वंशज रहेंगे। 1762 ईस्वी से 1768 ईस्वी तक जालिम सिंह उदयपुर की सेवा में रहे थे। ये 6 साल का पीरियड था जब झाला जालिम सिंह को कोटा से निष्कासित कर दिया गया था, उस दौरान 6 साल वो मेवाड़ की सेवा में रहे थे और 1762 से 1768 ईस्वी तक इन्होंने उदयपुर में अपना समय व्यतीत किया था। तो ये है कोटा का इतिहास, आशा है आपको कोटा का इतिहास पसंद आया होगा। अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखें। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को अगर यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए धन्यवाद।